अभी मैं ऑफिस गया था तो ऑफिस में बहुत काम था, कल रात भी लेट आए, लगभग 8 बज गया था। और आज सुबह भी पहले ब्लू लेयर में घूमने गए, उसके बाद अभी 7:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस गया और अभी 8:30 से ज़्यादा हो गया तो ऑफिस में काम किया। 9 बजे अभी ऑफिस से आया, उसके बाद मुझे ऑफिस से अंदर बुलबुल ने नाश्ता बना दिया, झाड़ू पोछा सब कर दिया। अब मैं खोद रहा हूँ खेत और बुलबुल कुदाली से खेत को प्लेन कर रही है। दिखाता हूँ मैं आपको बुलबुल किया था इससे पहले ऐसा काम फर्स्ट टाइम। देखो मेरे गोबर मंगाना है, गोबर में दल्ली भाई से मंगाऊंगा। अब इसमें क्या बोओगे? मम्मी ने हल्दी दे रखी है, धनिया दे रखा है और मटर के बीज हैं। देखते हैं इसमें किस जगह होती है, लगेगा जमेगा। हाँ अब आपको पानी डालना पड़ेगा इसमें। देर हो रहा है, बहुत बड़े बड़े। फाइनली अब हमने ये पूरा खेत खोद दिया है और यहाँ पे ये मिट्टी लाल मिट्टी है पूरी, बहुत ही टाइट हो रही थी तो ये देखो मेरे हाथ में इतना बड़ा छाला हो गया। ये छाला पहले छाला पड़ा फिर फूट भी गया, ये अब दर्द हो रही है इस हाथ में। फर्स्ट टाइम नहीं बेटा, किसान का बेटा हो, बहुत काम किया है पर आजकल थोड़ा जॉब की वजह से हाथ सॉफ्ट हो गए ना। हेलो गाइस, नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ब्लू ब्लू ब्लॉग एंड योगा पे। और अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब पहले, सबसे पहले हमने आज खेत खोदा और वहाँ पर बोना है धनिया और हल्दी मटर और खोद दिया, मतलब अभी बोएंगे कल को, थोड़ा गोबर लेके आएंगे। तो अभी बच चुके हैं 11 और तो कपड़े धोने, देखो इतने सारे कपड़े हैं इनको धोती हूँ मैं, गाँव गए थे कल भी धोए थे, अभी आज भी और हैं, पहले कपड़े धो लेती हूँ फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मैं यहीं पर ही धो रही, कपड़े भी बर्तन भी सब कुछ यहीं पर ही धो रही हूँ क्योंकि खेत भिगाना है ना, खेत पूरा टाइट हो रखा है, सूखे पत्थर जैसा हो रखा है, उसको भिगाना भी है तो कपड़े यहीं पर धोती हूँ तो खेत भी भीगते रहेगा और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। आज मैं कपड़े यहीं पर ही धोती हूँ अपने, एकदम मस्त तरीके से बैठ के, जैसे गांव में धोते हैं ना बैठ के वैसे धोते हैं आज यहाँ पर आराम से बैठ के। और आज का मौसम देख सकते हैं, एकदम खिलती हुई धूप दिख रही है जो एकदम मस्त धूप आ रखी है, मौसम एकदम अच्छा हो रखा है और इसलिए आज बाहर से बैठ के फटाफट से कपड़े धो लेते हैं। अभी बच चुके हैं 12 और कपड़े वगैरह सब धो दिए मैंने और अभी पालक धोना है, यहीं पर ही धो रही मैं अभी। ये देखिए आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, पूरे तार में मेरे कपड़े दिख रहे होंगे। और यहाँ पर बर्तन धो के, बर्तन भी धोए, जूती भी धो दी मैंने और अभी खेत में थोड़ा सा सिंचाई करनी है, थोड़ा गीला करना है इसको। अब मैं फटाफट से पालक धो लेती हूँ। अब यहाँ पर हो रही है खेत में सिंचाई, ये देखिए कल इसको एक बार और खोदेंगे ना तो थोड़ा तब सही आ जाएगा, अभी खुदा नहीं अच्छे से गहरा अभी तो हल्का हल्का ही खुदा है, इसको हल्का हल्का भिगा देते हैं और फिर कल से दोबारा खोदेंगे और आज शाम को गोबर भी आ जाएगा फिर इसमें गोबर भी मिक्स करेंगे। ये ना मेरे को सूरज ने दिया था, मिक्सी की तरह ही भी काटता है और इसमें ये है और इसको ना यहाँ से खींचने वाला है, ये चीज़ को यहाँ से खींचते हैं तो ये घूमता है और इससे अभी मैं इसमें चटनी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ इसको ना ऐसे करके घुमाते हैं और इसको ऐसे करके कट जाता है इसमें। ये देखो पूरा पीस चुका है ये भी,
ये है मेरी चटनी, इसमें मैंने टमाटर और लहसुन, धनिया और थोड़ा सा प्याज काट रखा है। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सी में मैंने किया, उसके बाद फिर प्याज तो मैंने अपने हाथ से काटा है, इसमें धनिया भी, लेकिन टेस्टी हो रहा है इसमें नमक डाल के। और यहाँ पर बूर की राई देख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा घीर कर रखा है। ये देखिए मस्त राई बूर की। यहाँ पर इस साइड को पालक बो रखा है, लेकिन पालक जमा नहीं है, थोड़ा सा वो नीचे वाले खेत पे हो रखा है। पालक हो रखा है, और सरसों भी हो रखी बीच बीच में। ये देखो अम्मा का पीठ में कैसे सामान लेके चल रही है, और बच्चा कैसे रो रहा है यहाँ पर। ये अभी मैं आ चुकी हूँ घूम के, और मैं इस चेयर में बैठी थी, सूरज से वीडियो कॉल कर रही थी, और अभी बज चुके हैं 7:30। बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया यहाँ पर बैठे बैठे। अब मैं कपड़े उठा लेती हूँ फटाफट से, फिर मिलते भी थोड़ी देर में आपसे। अभी हो चुका है अंधेरा।